हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ मिलेट्स के पॉपकॉर्न। तो मैंने पैन में नमक गरम कर लिया अच्छे से, सेंधा नमक है ये। और ये जो है दोनों ही फॉक्सटेल मिलेट्स हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फॉक्सटेल मिलेट्स है इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है पहले, और ये जो है बिना रोस्ट के हैं। तो देखते हैं पॉपकॉर्न्स किसके बढ़िया बनते हैं। तो पहले मैं जो ये ड्राई जिस बिना रोस्ट किए हुए पॉप ये मिलेट्स हैं वो डालूँगी। इसका रिज़ल्ट देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए आप, पॉप होने शुरू हो रहे हैं। ये देखिए ये जो मिलेट्स के हैं ये भी पॉप होने शुरू हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा तेज करेंगे, देखते हैं और कितना पॉप होते हैं ये। लेट्स सी ये कितने पॉप होते हैं और कैसे दिखते हैं। ये देखिए पॉप होने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा इसको हम और करेंगे। इसको हिलाते रहेंगे। ये तो थोड़े से डार्क हो गए हैं, पॉप हुए हैं। ये देखिए ये साइड पे जो है ये पॉप हुए हैं थोड़े से। तो ये वो पॉपकॉर्न हैं जो हमने पहले ड्राई रोस्ट नहीं किए थे। तो थोड़े से बने हैं। तो जो हमने पहले रोस्ट किए हुए पॉपकॉर्न हैं तो इसको रोस्ट करके देखते हैं इसके पॉपकॉर्न्स कैसे बनते हैं। पहले मैं थोड़े से डाल देखती हूँ क्या, इसको ज़्यादा अब मैं हिलाऊंगी नहीं, देखते हैं कितने पॉप होते हैं ये। आप देख सकते हैं ये भी पॉप हो रहे हैं। मैंने जो गैस है वो थोड़ी सी मैंने मीडियम पे कर दी है। तो देखते हैं कितने पॉप होते हैं।
ये देखिए ये भी हो रहे हैं थोड़े से पॉप। आई थिंक इससे ज़्यादा पॉप नहीं होंगे। तो ये जो है ये मैं रोस्ट कर रही हूँ बिना नमक के जो बचे हुए थे। इसके देखते हैं इसके पॉप होते हैं। ये सेकंड टाइम की है। इसको अगर आप टेस्ट करके देखें तो इतना ही टेस्टी लगता है ये फर्स्ट वाले में, जिसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट नहीं किया था। ये अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये भी रोस्ट नहीं हो रहे तो बिल्कुल ही डार्क ब्राउन हो गए हैं। ये पॉप होते हैं बट ये ज़्यादा पॉप नहीं हो रहे, बस इतने ही पॉप होंगे जितने आपको ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, जैसे ये हो गए ये हो गए, बस ये इतने ही पॉप होंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं होंगे, इससे ज़्यादा बस ये डार्क ही होते जाएंगे। तो आज की जो वीडियो थी वो इसी के ऊपर थी कि मिलेट्स पॉप होते हैं या नहीं। तो हो सकते हैं ये भी हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये आप रोस्ट किए हुए मिलेट्स भी अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, ये भी टेस्टी लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ये देखना चाह रही थी कि ये मिलेट्स पॉप करते हुए मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ। तो आई थिंक मैंने कर दिया है। तो ये देखिए छोटा सा मिलेट पॉपकॉर्न है, काफ़ी अच्छा है। So thank you for watching my video. Thank you.